इनके इनके बच्चे, इनके हस्बैंड तो गदगद फील करते होंगे, गदगद, मेरी मम्मी, मेरी बीवी कितना महान काम कर रही है, कितना बड़ा योगदान है इनका ना देश की सफलता के लिए, कितना बड़ा योगदान है। जहाँ हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है औरतों के लिए, औरतों के हेल्थ के लिए और पोषण अभियान और पता नहीं कितने कितनी सारी चीज़ें, और हमारी एमपी की गवर्नमेंट इतना काम कर रही है कि औरतों को पैसे दे रही है, ये दे रही, वो दे रही है, और ये जो औरत है ये कितना सत्यानाश कर रही है औरतों की, कितनी ऐसी तैसी कर रही है, औरतों को ये मिट्टी खिला रही है। तो जब मैं बताऊँ, उस मैं पता एकदम वो फिल्मी पिक्चर होता है ना, पिक्चर में चलता रहता है, आइए आपको हाजिर, मैं गीता का कसम खाऊंगी, मैं गीता की कसम खा रही हूँ, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, मैं वो सीन इमेजिन कर रही हूँ, वो कब आएगा, वो सीन वो कब आएगा, फिर मैं बोलूँगी और मैं बात करूँगी कि पहले तो मुझे बता दो कि इन ये जो ये कर रही हैं ये क्या बहुत महान काम है। मैंने तो सिर्फ यही बोला कि मत खाओ मिट्टी, और कितनी औरतों ने मेरे पास विद प्रूफ बहुत चाहिए ना, पदोड़ी को प्रूफ बहुत चाहिए होता है, तो इसीलिए प्रूफ मेरे पास इतने हैं जो प्रूफ में ये बोलेंगे कि ये लोगों की वजह से हम लोग बीमार हो गए हैं, हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं। कितनी लड़कियों के मैसेज पड़े हैं कि तुमको देख के हमने अपने घर वालों से लड़के छुपके से तुम्हारे चैनल्स को देखते हैं। और तुम एक बात बताना, पहले तो ये बंदोरिया डिस्क्लेमर नहीं लगाती थी, है ना, छिपकली सी कूदती फिरती थी, डिस्क्लेमर नहीं लगाती थी, क्योंकि कहती थी बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, हर कोई खाता है। अब क्यों डिस्क्लेमर लगा रही है, क्यों, मालूम है ना तुझे गलत है, जानती है ना तू गलत है, तू गलत चीज़ें खा रही है, इसको ये भी मालूम है कि जो इसके घटिया डांस है ना, जो घटिया डांस, इसका डांस नो बडी इंटरेस्टेड, इसका जो व्लॉग्स है नो बडी इंटरेस्टेड, क्योंकि अब हेटर्स के साथ साथ सपोर्टर्स को भी इसकी झूठ दिखाई देने लग गया है कि ये कितनी बड़ी झूठी है, पल पल में झूठ बोलती है यार, पल पल में, तुझसे अच्छी तो वो है यार छोटी ढक्कन, उससे सीख ले, वो जैसे कितनी छोटी है और उसका सच फिर भी बोलती है, वो फिर भी बोलती है कि बीमार हूँ, मेरे दांत खराब हो रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ। पर इसको देखो, इसको पहले तो ये इतनी अकड़ में थी, आप किसी का नाम मेरे चैनल पे मत लो, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये प्रमोशन के पैसे लेती है 5,000-10,000, बेचारी कोलाप करके ऊपर ही पहुंच गई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ, कोई आज बोल रहा था आप दूसरों पे बात नहीं करती हो, आप इसी पे बोलती हो, ये वो, तो भाई जी, बहन जी, आप जरा वीडियो को देखना जाके, हमने सब पे बोला, पर चुरमुना सिर्फ इसी को काटते हैं, क्योंकि बाकी क्रंचेस का ना मुझे लगता है घर तो नहीं चलता होगा उससे, पर इसका तो सुबह की चाय की पत्ती, चीले, कद्दू जिसमें घुसा के खाती है, बड़ा आकर था, सब्जी फेंक दूँगी, कुछ नहीं फेंका होगा, दो दागे उसको भी खा गई होगी कच्चा ही, है ना। और बता दूँ आपकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब हमारे पास आ चुकी, ठीक है, और रोज़ जो आके धमकाती हो ना तुम यहाँ पर ऐसा वैसा, और जो तुमने हरकत दी है ना, मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, मेरे वर्क प्लेस को एड्रेस इशू कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो तू अगर तूने वकील किया है जाके पता कर ले तुझ पे कौन सी धाराएं लगती है इस मामले पे। गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ों को तू यहाँ लीक कर रही है, इस पे क्या होता है, पता कर, नहीं पता है ना, मैंने तो तूने तो खैर डिलीट कर दी, मैंने रखा है। अच्छा, और मुझे पता, बहुत लोग
पर्सनली पूछ रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, अब तो आप बात भी नहीं कर रही थी, फिर क्या हुआ क्या हुआ। तो पता क्या हुआ, ये रक्षाबंधन को बताऊंगी मैं। रक्षाबंधन को मेरा एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आएगा जिसको आप लोग देखना और एंजॉय करना, रियली एंजॉय करना उसको, ठीक है। वो मेरा एक करारा जवाब होगा इनके लिए, इन जैसे टुच्चे क्रंचर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एक है विमल केसरी गुटका, विमल केसरी गुटका का कमेंट मैंने पढ़ा अभी किसी के वहाँ पे, किसी को कुछ बोल रही थी मोटी काली ये वो, तो तू बीमारी की दुकान, तू पूरी तरह से बीमारी से ग्रस्त है, तेरा हर अंग फेल है, बीमार एकदम ख़त्म कहानी है ना, पूरी कहानी इसकी ख़त्म हो चुकी है, खुद बता रही है। इस पे शायद इसके बॉडी का कोई पार्ट सही सलामत हो, फिर भी मट्टी ठूस रही है, फिर भी मट्टी ठूस रही है और आके यह बात कर रही है। अभी हम चुप है तो ज़्यादा ना उड़ो, है ना, खा ले तू एक आध महीने और मट्टी ठूस ले, वैसे तो सारे चैनल उड़ेंगे ही उड़ेंगे, आज नहीं उड़ेंगे तो कल उड़ेंगे, उड़ेगा ही भाई। गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है औरतों के लिए, औरतों को एजुकेशन दे रही है, जॉब दे रही है, और इसलिए थोड़ी ना कर रही है कि भैया वो औरतों को हम पैसे दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो जाके वो मट्टी में इन्वेस्ट करें, हाँ इसलिए नहीं दे रहे हैं ना। तो एक्शन तो होगा इनके ऊपर, बहुत बढ़िया वाला एक्शन होगा, मस्त वाला। और किसने किसको मेंटल टॉर्चर किया है वो भी मेरे पास प्रूफ है, वो भी प्रूफ है मेरे पास। जब मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब उस वक्त इन लोगों ने मेरे वर्क प्लेस पे कॉल करके इन लोगों ने तमाशा किया था, और जो बेशरम वो औरत थी ना, बेशरम निर्लज्ज औरत, निर्लज्ज गई भी थी, अपने आप को एजुकेटेड कहती है, पैसे वाली कहती है, इस वाईटी में उससे घटिया औरत मैंने नहीं देखी हूँ। ठेले में जगह जगह जाके वो मिट्टियाँ खरीदती फिरती है, हाँ, और बोलती मैं मिट्टी नहीं खाती, मैं ये नहीं करती, पर काम कितने नीचताई वाले करती है, नीच पिच्चे काम। और हम लोग इसके लिए भी बहुत कुछ जल्दी ही करेंगे, ये जो ठूस रही हैं मिट्टियाँ, इनके साथ साथ जो इनकी माई बाप है ना जो मिट्टी बेच रहे हैं, इनके जो सरगना हैं, मैं क्या बोलते हैं उनके डॉन माफिया, इन पर सीधा करना है कार्रवाई। इस तरह की चीज़ों के लिए एक्शन तो ज़रूरी बनता ही है। और रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो ज़रूर देखना, मिस मत करना, मिस कर दिया तो मुझे ना बोलना, है ना। लाइव में आज नहीं आऊँगी क्योंकि मैं आज बहुत थक गई हूँ, मेरा लॉयर के यहाँ बहुत टाइम चला गया, बहुत कुछ कहानी बतानी पड़ी, समझानी पड़ी, और जितने प्रूफ थे वो सब करते करते बैंड बज गई, हालत ख़राब हो गई, अब आके मेरी पूरी बंद हो रही है, ढक्कन की जैसे बंद हो रही है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।